बशीक एंड जियोग्राफी डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम गोहर ग्रेस इंग्लिश फाइव प्लस का पेज नंबर फिफ्टीन और सिक्सटीन करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स और इसकी एक एक्टिविटी एक भी करेंगे तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये है पेज नंबर फिफ्टीन एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लेटर्स ठीक है यानी अल्फाबेट्स कितने होते हैं देर आर टोटल ट्वेंटी सिक्स ठीक है ए बी सी में ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं और वो स्टार्ट होते हैं ए से और एंड होते हैं जी पे और ये जो सब ट्वेंटी सिक्स लेटर्स हैं ये थ्री टाइप्स में डिवाइडेड हैं कुछ लेटर्स उनको हम बोलते हैं स्काई लेटर्स कुछ लेटर्स को हम बोलते हैं ग्रास लेटर्स और कुछ लेटर्स को बोलते हैं रूट लेटर्स अब हमने ये सीखना है कि स्काई लेटर्स कौन कौन से हैं ग्रास लेटर्स कौन कौन से हैं और रूट लेटर्स कौन कौन से हैं बिल्कुल ए बी से लिखने के लिए हम फोर लाइन्स का यूज़ करते हैं ये है आपकी फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन ठीक है ये फोर लाइन्स हैं जिन लेटर्स को हम फर्स्ट थ्री लाइन्स में लिखते हैं ये देखें बी कहाँ लिखा जा रहा है फर्स्ट लाइन में सेकेंड में और थर्ड में यानी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया है और थर्ड लाइन पे एंड किया है तो वो सब लेटर्स जो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किए जाते हैं और थर्ड लाइन में एंड किए जाते हैं इनको हम कहते हैं स्काई लेटर्स अब ये देखें बी डी एफ एच के एल एंड टी अच्छा आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कैपिटल लेटर्स जो हैं वो सारे फर्स्ट थ्री लाइन्स पर लिखे जाते हैं उनको हम रूट लेटर्स स्काई लेटर या ग्रास लेटर्स नहीं बोलते ये डिवीजन जो है सिर्फ स्मॉल लेटर्स के लिए है ये देख रहे हैं कि ये सब क्या है स्मॉल लेटर्स हैं उसके बाद अब आप देखें ग्रास लेटर्स अब आप गौर करें कि सब ग्रास लेटर्स जो हैं वो सेंटर टू लाइंस में लिखे हुए हैं यानी सेकंड लाइन से स्टार्ट करके थर्ड लाइन पे इनको एंड किया जा रहा है ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स एंड जेड तो ये सब क्या है ये है ग्रास लेटर्स और लास्ट पर आप देखें रूट लेटर्स तो रूट लेटर्स वो लेटर्स हैं जिनको हम लोअर थ्री लाइन्स में यानी सेकेंड लाइन थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन जिनके लिए हम लोअर थ्री लाइन्स का यूज कर, करते हैं वो सारे क्रॉस लेटर्स कहलाते हैं जी जे पी, क्यू एंड वाई तो ये क्या है सब ग्रास लेटर्स हैं तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक एक्टिविटी है और उसमें हम इन लेटर्स की रिवीजन करेंगे ओके स्टूडेंट्स तो ये है पेज नंबर सिक्सटीन और हमारे पास है एक एक्टिविटी और इसमें हमने क्या करना है कुछ लेटर्स हमारे पास गिवन हैं और कुछ एरियाज़ में हमने स्काई लेटर्स को सर्कल करना है कुछ में हमने रूट को और कुछ में हमने ग्रास लेटर्स को अच्छा ये एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टिप बताती हूँ आपने क्या करना है जी बिल्कुल आप सोचें कि स्काई लेटर्स क्या होते हैं उसके लिए एक एक्शन है स्काई लेटर्स यानी आपने अपने हाथों को ऊपर की तरफ मूव करना है वो लेटर्स जो ऊपर वाली थ्री लाइन्स पर लिखे जाते हैं स्काई लेटर्स और ग्रास लेटर्स वो होते हैं जो सेंटर टू लाइंस में लिखे जाते हैं तो आपने अपने हाथों को ग्रास की तरह यानी ग्राउंड पे ऐसे मूव करना है और जो रूट लेटर्स होते हैं वो लोअर लोअर थ्री लाइंस में लिखे जाते हैं तो आपने अपने हाथों को नीचे की तरफ मूव करना है स्काई लेटर्स ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स अब आपने याद रखना है कि स्काई लेटर कौन सा है

ओ हमारा स्काई लेटर नहीं है जी भी नहीं है बी भी स्काई लेटर है और एल भी स्काई लेटर है और टी भी स्काई लेटर है तो इस तरह से आपने सब स्काई लेटर्स को सर्कल करना है नेक्स्ट है सर्कल द रूट लेटर्स अब आपको याद है कि रूट लेटर का एक्शन क्या आता है रूट यानी जो नीचे की तरफ लिखे जाते हैं लोअर थ्री लाइन्स पे बी रूट लेटर है बिल्कुल नहीं ई e भी नहीं है जी हमारा रूट लेटर है आई नो जे हमारा रूट लेटर है P भी हमारा रूट लेटर है ओ नो क्यू हमारा रूट लेटर है यू भी नहीं है एल भी नहीं है और वाई भी हमारा रूट लेटर है अब हम चलते हैं सर्कल द ग्रास लेटर्स क्योंकि ग्रास लेटर्स बहुत सारे होते हैं इसलिए आपको यहाँ पे फोर लाइंस नज़र आ रही हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं अब हम ये देखते हैं कि ग्रास लेटर्स क्या है आपको एक्शन याद है ना जो हम ग्राउंड पे यानी सेंटर टू लाइंस में लिखते हैं तो हम ए को सर्कल करेंगे क्योंकि ये सेंटर लाइंस में लिखा हुआ है बी एच डी को सर्कल नहीं करना ई e को सर्कल करें एफ को सर्कल नहीं करेंगे ओ को सर्कल करें सी को एम को क्या हम जे को सर्कल करेंगे बिल्कुल नहीं एन को आई को K और Q को हम नहीं करेंगे उसके बाद हम करेंगे R को Y को नहीं करना S, U, T को बिल्कुल नहीं करेंगे J को भी नहीं करेंगे और V को करेंगे सर्कल और W को सर्कल करेंगे जी को नहीं करना X को करेंगे और Z को करेंगे तो ये हो गया हमारा क्रॉस लेटर्स सर्कल हो गए हैं इस तरह से आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है ओके स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हमने सीखा है टाइप्स ऑफ लेटर्स तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर बिल्कुल स्काई लेटर्स नंबर टू क्रास लेटर्स और नंबर थ्री रूट लेटर्स अब आपने इन लेटर्स की रिवीजन करनी है और आपने याद रखना है कि कौन से लेटर को किन लाइंस में लिखा जाता है और आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अल्लाह हाफिज़